आज मैंने गांव के तरीके से चूल्हे पर बिरयानी बनाई है, आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी गांव के तरीके से। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक भगोने में तेल डालेंगे और इसे अच्छा गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम 50% फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम तेल में कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। देखिए प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भून लेंगे। पांच टमाटर लिए हैं, अब हम इसमें 6 साबुत हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच शाही जीरा, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मसाला भून चुका है, अब हम इसमें 2-3 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके अंदर 1 कटोरी दही डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला और दही अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1/2 किलो लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बारिश का मौसम है, इसके लिए आग हमारी चूल्हे के चारों ओर से फैल रही है और बहुत ज्यादा फैल रही है। अब हम इसमें कट किया हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, उन्हें चूल्हे पर की बिरयानी खानी है, वो भी गांव के स्टाइल में।
इतनी हवा चल रही है और मुझे चटके बहुत लग रहे हैं। अब हम इसमें 1 किलो चावल के हिसाब से 3 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसे ढककर पानी में उबाल आने देंगे। चलिए अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। अब हम इसमें धुले हुए चावल डालेंगे। चावल मैंने कोलम लिए हैं, आप जो चाहे वो चावल ले सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने सभी चावल को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसे 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर और 5 मिनट पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसे चम्मच से थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। देखिए हमारी चिकन बिरयानी गांव के तरीके से बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।